है गाइस, जैसे हम लोग लास्ट टाइम देखा था वर्क स्पेस, हम लोग वर्क स्पेस पे थे, ठीक है। अभी मैं इसके अंदर सीन थोड़ा सा मैं नया ले लेता हूँ। यहाँ पे सीन मैंने नया लिया, ठीक है। हम लोग यहाँ पे देख रहे थे भाई यूआई के अंदर, हम लोग थोड़ा सा अगर कवर अप करते हैं, 6 नंबर वर्क स्पेस है। यहाँ से अगर देखें वर्क स्पेस सेलेक्टर, ये आपका काम क्या करता है, जैसे मैंने आपको डिस्कस किया था भाई इसके अंदर कई चीज़ें हैं। जैसे आप यहाँ पर जनरल आप क्लिक करोगे स्टार्टिंग में, अगर आपको काम करना है तो जैसे जनरल हो गया, मॉडलिंग के लिए मॉडलिंग से रिलेटेड चीज़ें आ जाएंगी आपके पास। यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ों को देखो, तो यहाँ पर मॉडलिंग टूल्स आपके पास यहाँ पर आ गए, ठीक है। यहाँ से अगर मैंने कहा मॉडलिंग एक्सपर्ट, एक्सपर्ट का मतलब क्या हुआ, जो आपके पास जो चीज़ें हैं सब कुछ बिल्कुल एक्सपर्ट मोड पर देखेगा यहाँ पर, ठीक है। जैसे अगर मैं कहूँ तो कंट्रोल एंड यहाँ पर स्पेस बार, ठीक है, ये भी एक्सपर्ट मोड बोलते हैं, कंट्रोल एंड स्पेस बार, दैट इज कॉल्ड एक्सपर्ट मोड, ठीक है। यहाँ से मैंने क्या किया, स्टैंडर्ड पर गया तो स्टैंडर्ड में ही वापस आ गया, ठीक है। तो आपको मोड स्विच करना आना चाहिए एक्सपोर्ट मोड में, कभी ऐसा भी देखेगा। स्कल्प्टिंग में करोगे तो आपको यहाँ पे जो भी स्कल्प्टिंग वाला ऑब्जेक्ट होता है, जैसे हम लोगों को करेक्टर पे तो स्कल्प्टिंग करना है, तो आप यहाँ पे मडबॉक्स वाला पार्ट यहाँ पे स्कल्प्ट करने के लिए ला सकते हो। स्कल्प्टिंग मतलब जैसे जीवस है स्कल्प्टिंग के लिए, वैसे आपका मडबॉक्स का भी पार्ट इसके अंदर एड ऑन कर रखा है, वो आपका स्कल्प्टिंग के लिए यहाँ पे, ठीक है। हम लोग ये सब कुछ वन बाय वन करके आगे देखेंगे, ठीक है। पोज स्कल्पिंग, अभी पोज कोई बनाया तो पोज को कैसे स्कल्प कर सकते हैं, जैसे हम लोग क्या रिगिंग का कोई काम करते हैं, जैसे पोज दे रखा है ना यहाँ पे, ये पोज स्कल्पिंग के लिए कि भाई पोज आप यहाँ पे बना चाहो तो बना सकते हो यहाँ पे। यूवी एडिटिंग, अब जैसे यूवी है, जैसे कैरेक्टर का सेलेक्ट किया तो कैरेक्टर के यूवीज दिख रहे हैं यहाँ पे, तो ये कैरेक्टर के यूवीज जैसे निकले हैं, तो यूवीज का पार्ट आपका यहाँ पर आ जाएगा, यूवीज का पार्ट आपको दिखेगा। एक्सजेन, आपको लाइक ग्रास क्रिएट करने हैं, ट्री या कुछ ऐसा कुछ बनाना है, तो उसमें आपका एक्सजेन का पार्ट आपको यहाँ पर आएगा, ठीक है। एक्सजेन इंटरेक्टिव ग्रूम है, उसी में एडवांस लेवल उसी का पार्ट है यहाँ पे। आपका रिगिंग है, अगर आपको करेक्टर के अंदर बोन सेट करने हैं तो बोन सेट करने के लिए आपका रिगिंग वाला पार्ट आता है। जैसे आप देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको कुछ नया भी मिलेगा, नोड एडिटर। तो जस्ट आपको स्टार्टिंग में तो ऐसा ये चीज़ को देख के एक बार कन्फर्म कर लेना होता है क्या। एनिमेशन पे गए तो आप कोई भी चीज़ एनिमेट करो, जैसे इसके पहले वाले पार्ट में मैंने दिखाया है कि एनिमेशन मैंने बताया एनिमेट कैसे करता हूँ, तो एनिमेशन वाला पार्ट है। रेंडरिंग में जाओगे तो रेंडरिंग में आपको ये पार्ट देखेगा यहाँ पे, ठीक है। तो रेंडरिंग के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे चीज़ें मिल जाती है। रेंडिंग एक्सपोर्ट मोड, तो रेंडिंग एक्सपोर्ट मोड में आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा, ठीक है। मेन चीज़ अगर आप कोई भी चीज़ रेंडर करते हो तो रेंडर में आपको ये भी दिखेगा देखो यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने कोई चीज़ रेंडर किया तो रेंडर में ये पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ से देखो यहाँ पे व्यू है, व्यू प्लेन मतलब व्यूपोर्ट, ठीक है। यहाँ पे आपका रेंडर आ गया। तो अभी हम लोग अगर यही चीज़ में अगर दूसरे में देखो, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, स्विच टू मॉडलिंग पे, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे रेंडर बटन क्लिक किया तो रेंडर का जो इमेज कैनवास है वो अलग आया, ठीक है। तो आपको समझ में आना चाहिए आप किस में काम करना चाहते हो। यहाँ पर आपने देखा तो ये पार्ट आपका यहाँ पर है, यहाँ अपने रेंडरिंग में गए तो रेंडरिंग में आपको देखो रेंडरिंग के अंदर रेंडरिंग स्टैंडर्ड ये है। रेंडरिंग एक्सपर्ट में अगर मैं जाता हूँ तो रेंडरिंग एक्सपर्ट में आपको क्या मिल रहा है, आपने यहाँ पर रेंडर किया तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ एक साथ मिल गया। तो हर एक क्राइटेरिया दे रखा है कि हमारे जो भी माया यूज़र्स हैं उनको थोड़ा सा ईजी फील हो, बहुत ज़्यादा कस्टमाइज करने की नीड ना हो, तो ऐसा कुछ पार्ट दे रखा है यहाँ पर। मैस है, मैस से रिलेटेड कोई एक ऐसे पार्ट दे रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मोशन ग्राफिक करना है, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि आपको कोई भी चीज़ मोशन ग्राफिक में कोई काम करना है तो आप देखो यहाँ पे कई चीज़ आपको गिवन है। जैसे अगर मैं बताऊँ यहाँ पे प्रोस्पेक्टिव पे क्या देखो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कोई भी चीज़ देखें मोशन ग्राफिक में, अभी मार्केट में डिमांड बहुत है इसके, ठीक है। यहाँ देखो अगर मैं चीज़ों को मैनेज करता हूँ यहाँ पे, अगर आपको देखिएगा तो आपको शायद यहाँ पे कुछ एक टेक्स्ट भी दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पे। ये एक बेसिक सा एनिमेशन भी दे रखा है। सपोज़ यहाँ पर अगर मैं आपको फॉर ए टाइमिंग जस्ट डबल क्लिक किया मैंने यहाँ पे और इस चीज़ को देखो यहाँ पे, देखें यहाँ पे आप देखो तो आप यहाँ पे कुछ और भी देखें यहाँ पे, तो मैंने क्लिक किया यहाँ पे देन प्ले कर दो आप यहाँ पे आ रहे कुछ पार्ट, ठीक है। यहाँ पर एक से दो चीज़ आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। लगता है आपको थोड़ा सा एनिमेशन देना है तो मैं एक बार जैसे आपको मैंने क्या किया यहाँ पर मैंने फाइल पर गया न्यू कर दिया यहाँ पर न्यू कर दिया ताकि आपको ईजी लगे। सीन में मेरे पास कुछ भी नहीं है, यहाँ पे जाकर आपको क्या करना है सिंपल डबल क्लिक कर दें यहाँ पे। जैसे मान लो अगर मैंने यहाँ पे दिया तो यहाँ पे जैसे सपोज मैंने यहाँ पे डबल क्लिक कर दिया तो डबल क्लिक करने से आपके पास एक सीन रेडी हो जाएगा यहाँ पे देखो, ठीक है। सीन रेडी भी है, आप रेंडर करके देख सकते हो तो रेंडर भी दिखेगा आपको यहाँ पे, ठीक है। कौन सा रेंडर किस में दिख रहा है अभी क्रॉस चेक कर लो, माया में दिख रहा है या अर्नोल में दिख रहा है, अभी फिलहाल में दोनों में किसी में नहीं दिख रहा, चलो ठीक है एक बार देख लेते हैं। लाइट लगी हुई है अभी देख लेते हैं, अभी कई ऐसी चीज़ जो बाई डिफॉल्ट गिवन है। देन देखो आप एनिमेशन दिख रहे हैं यहाँ पे, तो ये आपको जो एनिमेशन देने वाला पार्ट है ये आपको मोशन ग्राफिक के लिए, ठीक है। लाइटिंग हम लोग लगाने के लिए कोई दिक्कत नहीं, आर्डनल में गया लाइट यहाँ पे लगाया तो मेरे पास दिक्कत नहीं है। अगर आपको इसके बारे में नॉलेज है तो आप यहाँ पे कोई भी सीन को आराम से मैनेज कर सके दिखा सकते हो, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी इस टाइप की चीज़ें आप अगर दे रहे हो देखो यहाँ पर, देखें यहाँ पे मोशन ग्राफिक में ये देखो यहाँ पे, अभी यहाँ क्रॉस चेक करो तो आपका शिक्षक कई चीज़ दिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ जैसे यहाँ पे क्लिक किया मैंने, मार्केट में बहुत सी चीज़ें बढ़ रही हैं,
इतना कंपटीशन लेवल बढ़ रहा है कि आप सोच हो भी नहीं। देखो यहाँ पे देखें, आपको अलग अलग वे में जाकर देखना पड़ेगा। यहाँ पे अभी एक सीन है, अगर हम लोग देखें तो दो तीन चीज़ को मिक्स करके एक सीन को रेडी भी कर दें। यहाँ पे है सर बट ठीक है, इसी को देखो तो आपका यहाँ पे रिफ्लेक्शन एंड ऑल दोस थिंग यहाँ पे आप काम कर सकते हो। इसमें अगर आपको लगता है, जैसे मैंने यहाँ पे क्या सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है, मैस है, मॉडलिंग, यहाँ पे मॉडलिंग दिख रहा है, ये चैनल बॉक्स, इसके अंदर सारे बेसिक फीचर आपके यहाँ पे गिवन है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर एट्रीब्यूट में जाकर देखना तो मैं एट्रीब्यूट में जाकर देख सकता हूँ यहाँ पे। तो अगर जैसे जो लोग मोशन ग्राफिक में जा रहे हैं तो आजकल 3D में भी बहुत डिमांड है। जैसे देखो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, यहाँ देखो अभी देखो यहाँ पे ये काम हो बढ़िया, बहुत बढ़िया काम दिखे यहाँ पे। ऐसे बनाने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप इसे मैनेज करो तो दिखेगा आपको बहुत बढ़िया काम। तो आप ऐसे कई चीज़ को यूज़ कर सकते हो। देखें यहाँ पे डिस्ट्रक्शन टाइप से कुछ दिख रहा है, कुछ चीज़ें कन्वर्ट हो रही है। यहाँ पे प्ले करके देखोगे तो आपको थोड़ा बहुत एनिमेशन भी देखने को मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक क्लिक करो, स्टार्टिंग पे गए और देन यहाँ पे प्ले कर दिया यहाँ पे। तो पेशेंस के साथ रहोगे तो आपको बहुत कुछ देखने को सीखने को मिलेगा। देखो यहाँ पे कुछ आपके पास धीमे धीमे वो इम्पैक्ट, कलर वाला इम्पैक्ट आपको देखेगा, भाई ऐसे चीज़ को हम लोग कर सकते हैं। तो ये अभी आपका इंट्रोडक्शन चल रहा है, तो स्टार्टिंग में मत सोचना कि मैं ये काम अभी कर लूँगा। तो इंट्रोडक्शन का मतलब है कि आपको आइडिया मिलेगी, फाइल आपके पास ऐसी है, इन फाइल को आप यूटिलाइज करना चाहो तो कर सकते हो, उसका प्रोसेस मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। लेकिन इनका करने का तरीका, ये एक छोटे छोटे इफेक्ट को बनाने में टाइम लगता है। आप मेरे चैनल पर जाकर देखोगे, चैनल में काफ़ी चीज़ है, एफेक्ट्स के नाम से सर्च करो तो इस टाइप की एक दो चीज़ें, तीन चार चीज़ें, पाँच छः चीज़ें, अलग अलग टाइप से चीज़ें आपको मिलेंगी कि कैसे क्या काम करना है। फिर आपकी क्रिएटिविटी, आप कैसे हर बार कुछ नया बना सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पर रेंडर करके देखो तो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अभी ये मार्केट में चल रहा है कि अभी क्या करना है। अगर आपको मोशन ग्राफिक की जॉब में जाने तो कुछ हम लोगों ने प्रीमियर में कर दिया, कुछ फोटोशॉप से ले लिया, कुछ 3D से ले लिया, तो ये मार्केट की डिमांड है। तो आप इसको समझोगे तो आपको आइडिया मिलेगा। इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा इसमें मोशन ग्राफिक में मैंने थोड़ा सा ऐड ऑन किया। जैसे देखो यहाँ पे सपोज मैंने यहाँ पे कर दिया न्यू कर दिया, डोंट सेव, डबल क्लिक कर दिया यहाँ पे, ध्यान से देखो यहाँ पे है अपने पास चाहिए कुछ। तो आप इनको अगर मैनेज करोगे तो आपको आइडिया मिलेगा, बहुत सी चीज़ें हैं। जैसे अगर आप देखो यहाँ पे, देखो यहाँ देखो, हाँ इसको बनाने में, ये तो कहूँगा इसको बनाने में आपको जो टाइम लगे वो आपका एक्सपीरियंस ही बताएगा जब मेरे साथ आप आगे बढ़ोगे, ठीक है, कि ये सब बनाना कितना आसान है। ये देखो बहुत बढ़िया चीज़ है, देखो यहाँ पे देखोगे ना आप यहाँ पे, तो ये देखो काफ़ी चीज़ें। आई वॉन्ट कि एक बार आप ट्राई करो, ठीक है। तो हम लोग अब बात करते हैं मोशन ग्राफिक की, उसके बायफ्रॉस्ट आता है। बायफ्रॉस्ट क्या होता है? बायफ्रॉस्ट का जो काम होता है वो यूजुअली अगर मैं आपको बताऊं तो वो क्या होता है, जैसे आपको पानी वानी का इफेक्ट निकालने के लिए, फायर का इफेक्ट निकालने के लिए। इसका भी एक डेमो दिखाता हूं आपको यहाँ पे। जैसे देखो ये चैनल पर आप जाओगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा, जैसे कि आपको यहाँ पे जैसे इस टाइप से इम्पैक्ट आपको जो देना है वाटर का और अलग अलग चीज़ों को आप मैनेज करोगे तो ये चीज़ आप यहाँ पे दे सकते हो। तो ये सारा काम आपको मिलेगा, आप कैसे मैनेज कर सकते हो, ठीक है। और इसके सिवाय आपके पास और भी है फ्लूट, बायफ्रॉस्ट फ्लूट ही था यहाँ पे, ठीक है। एंड देन यहाँ पे आपको दिख रहा है सेव करंट वर्कस्पेस, इंपोर्ट वर्कस्पेस फाइल। अगर आपने कोई अपना वर्कस्पेस बनाया है, कस्टमाइज़ किया है, तो आप उसे सेव भी कर सकते हो। सेव करके आप बाद में किसी और अपने फाइल में इंपोर्ट भी कर सकते हो। तो दोनों ऑप्शन यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देखा कि भाई ये मेरे पास क्या होता है, वर्कस्पेस क्या है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखें 7 नंबर स्लाइडर बार आइकन। यहाँ पे 7 नंबर देखोगे तो स्लाइडर बार आइकन आपको यहाँ पे दिखेगा यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, ये आपका स्लाइडर बार देखना भाई, ठीक है। कंफ्यूज मत होना यहाँ पे स्लाइडर, कई लोग को बोला एक दो चीज़ और भी इसे स्लाइडर बोलते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है, माया में गए, माया में ये आपका स्लाइडर हो जाता है, यहाँ पर स्लाइडर है, ताकि आपको आइडिया मिले भाई ये स्लाइडर इसे बोलते हैं और इससे भी स्लाइडर बोलते हैं, इसलिए ध्यान रखना क्या। तो ये आपका स्लाइडर बार है, स्लाइडर में आप यहाँ पे देखोगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इसे रेंज स्लाइडर बोलते हैं और ये स्लाइडर बार हो गया यहाँ पे। तो कन्फ्यूज ना हो किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर। मैं बताता हूँ, जैसे मैंने फाइल पे गया, न्यू कर दिया मैंने यहाँ पे, और देन मैंने क्या बोला कि लाइक ओपन करना चाहूँ, या होम पेज पे गया तो मैंने यहाँ पे एक फाइल मैंने उठा लिया, क्लिक किया, जो मैंने इस फाइल पे मैंने काम करा तो मैं यहाँ पे मैनेज कर सकता हूँ। तभी मुझे पता है डोंट सेव कब करना है, ठीक है, ये पार्ट मैं देख सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अभी स्विच करते हैं यहाँ पे। अभी हमने देखा स्लाइडर बार को, देखा स्लाइडर बार के अंदर हम लोग यहाँ पे देखते हैं 8 है हमारा चैनल बॉक्स। चैनल बॉक्स लाइक ये, दिस इज कॉल, इतना पार्ट आपका चैनल बॉक्स है, इसको भी दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। अभी चैनल बॉक्स के बारे में अगर आपका मैं बताऊँ तो मैंने यहाँ पे क्या किया, जैसे सपोज मैंने यहाँ पे पॉली मॉडलिंग भी किया, मैंने एक स्पेयर या बॉक्स लेता हूँ, ठीक है, W प्रेस कर दिया, F फॉर फोकस, Alt एंड H, ये सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे। मेरे बॉक्स है, इस बॉक्स के बारे में जो दे रखा है ये हमारा चैनल बॉक्स है, दिस इज कॉल योर चैनल बॉक्स। इसमें क्या ट्रांसलेट एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, X पे Y पे मैक्सिमाइज कर सकता हूँ स्पेस बार से, ठीक है।
ठीक है, एंड जेड पे, तो आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। रोटेशन देना है तो रोटेशन से पहले स्केल दिखा देता हूँ, स्केल दिख रहा है एक्स में, वाई पे मैंने किया तो वाई पे मैं ऐसा कर सकता हूँ, और जेड पे करना तो जेड पे आप ऐसे करके मैनेज कर सकते हो। अब रोटेशन भी आपको ज़्यादा क्लियर देखेगा यहाँ पे, ठीक है। एक्स पे है, वाई पे आपको रोटेट करना, तो वाई पे आप रोटेट करके दिखा सकते हो आप यहाँ पे, फोकस करो आप यहाँ पे, ठीक है। जेड पे रोटेट करना तो जेड पे रोटेट कर सकते हो। बाई चांस मुझे लगा नहीं मुझे रोटेशन नहीं चाहिए तो मैंने जीरो कर दिया तो काम खत्म। यहाँ पे मैं स्केल पे गया, मैंने वन कर दिया तो काम खत्म, ठीक है। इसको मैंने जीरो कर दिया तो वापस उसी पोजीशन पे पहुँच गया जहाँ पे वो था। याद रखना जब तक आप इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं करोगे तब तक ये रहेगा, ठीक है। तो ये पार्ट आपका क्या, डब्ल्यू प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे। इसके फीचर्स में देखा चैनल बॉक्स यहाँ और यहाँ, दिस इज कॉल्ड चैनल बॉक्स। यहाँ पे क्या आपको जो हमने एडजस्ट करके दिखाया, ठीक है, दिख रहा है विड्थ है, विड्थ आपको कितना चाहिए। जैसे मैंने कहा भाई मुझे विड्थ चाहिए 5, ठीक है, हाइट चाहिए 3 एंड डेप्थ चाहिए 1 है मेरे पास। यहाँ पे अगर मैं करता हूँ लाइक 8 चाहिए, तो मैं ऐसे करके एक बॉक्स क्रिएट कर सकता हूँ अगर मुझे उस बॉक्स के बारे में पैरामीटर अगर पता हो तो। जैसे मुझे टेबल बनाना है तो टेबल के पैरामीटर में कैसे क्रिएट कर सकता हूँ। यहाँ पर सब डिवीजन है, विड्थ के सेगमेंट बढ़ाना चाहो बढ़ा सकते हो, हाइट के सेगमेंट बढ़ाना चाहो बढ़ा सकते हो, एंड यहाँ पे सब डिवीजन आपको बढ़ाना चाहता आप इसे मैनेज कर सकते हो। तो ये मेन सारा पार्ट आपको यहाँ पे देखेगा कि आप चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हो। यहाँ पे यूवीज है, जब आप टेक्सटिंग में जाओगे तो आपको ये काम आने वाला है। नॉर्मलाइज है, ठीक है, नन कर दिया, कभी कभी यूवीज खराब हो जाता है तो हम लोग नॉर्मलाइज ऑफ कर देते हैं, नॉर्मलाइज ऑन करते हैं, यहाँ पे चीज़ों को रखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो वो सारा पार्ट हम लोग आगे भी देखेंगे। तो दिस इज कॉल अवर चैनल बॉक्स।